एक डॉक्टर का इरफान एक डॉक्टर के जरिए ना हो
तो इरफान नाफिस होगा, कामिल नहीं होगा। इरफान नाफिस होगा, कामिल नहीं होगा। अब जाते आदियत का मंशा यह है कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी मार्फत हो, मेरा इरफान हो। तो सरकार मत ये बताए कि इरफान से मुराद इरफान नाफिस मुराद है या इरफान कामिल। कैसा इरफान? इस्लाम में खुदा मान लेना काफी नहीं है। तवज्जो रखिएगा, इस्लाम में नजरिए तौहीद है, यानी खुदा को वैसा खुदा मानना जैसा खुदा मनवाना चाहता है। सलावत करो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा लीजिए, से जमात से आपने पांच महीने से सुनी है, ये छठी भी सवाल फरमा लीजिए, और आप ना भी सवाल फरमाए तब भी मैं पढ़ूंगा यही। एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो है तो ये मसला ये है कि इरफान कैसा इरफान, तो इरफान वो कौन सा इरफान चाहता है कराना मखलूक को, तो फिर हम उसका इरफान कैसे हासिल करें। बहुत तवज्जो उसकी मार्फत, उसकी मैंने कल अर्ज किया था कि अगर उसकी जात के बारे में ला तफक्करू फी ज़ातिल्लाह फरमान है, उसकी जात के बारे में गौर न करो। अगर उसकी जात के बारे में गौर करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारा ज़हन ये खुदा तसव्वुर कर लेगा, और वो जो खुदा होगा वो हमारे जहन की तखलीक होगा, वो हमारे जहन की मखलूक होगा। जो मखलूक हो जाए वो खुदा नहीं होगा। जो हमारे जहन हम महदूद है वो लामहदूद है, नहीं जा रहे आप, हम महदूद है और वो लामहदूद है। महदूद में लामहदूद नहीं आता। तो अब जरूरी है महदूद की शराफ करवाने के लिए। बहुत तवज्जो, यहीं से कुछ लोगों को असल में इरफानियात का काम बहुत कम हुआ है। आप मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ, ये मेरी रिकॉर्ड हो रही है, नेट पे जाएगी, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ। बहुत तवज्जो, एक बार सलावत करो मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, ये गुरु की टीवी वो पढ़ा देने का कैंसर, इसने पढ़ा दिया और उसने हटा दिया, और इसने क्या चीफ नाम से बातें, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है किसी तरह का, बिल्कुल कोई असल, कोई ये कोई हकीकत, कोई हैसियत है ही नहीं। मैं बिल्कुल एक सामने की बात कर रहा हूँ। एक बात है, मान लीजिए हमारे जामे नाजमीना की तरफ से अगर ये ऐलान हो, मेरी तरफ मुतवज रहे हैं, अगर हमारे जामे नाजमीना की तरफ से ये ऐलान हो कि यहाँ पर इल्म पढ़ने वाले के लिए पूरा इंतजाम है और यहाँ पढ़ने लोग नहीं बनते हैं, तो जो है अब वहां कोई जाए पढ़ने के लिए, वो पढ़े या ना पढ़े ये उसका मतलब, ये उसका जब, लेकिन मदरसे की जिम्मेदारी क्या? मदरसे की तरफ से फिक्र की किताबों का और फिक्र के असातिज़ा का, पढ़ाने वालों का पूरा इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि ऐलान किया है हौजे ने, मदरसे ने, जामिया ने कि हमारे यहाँ फिक्र की तालीम का मुकम्मल इंतजाम है। आप आइए पढ़िए, फकीर बनिए, यहाँ से दिल्ली लेके चले जाइए। अब हम गए, हम वहां क्रिकेट खेलते रहे, हमने पढ़ा नहीं, हम नालायक साबित हुए, घूमते रहे शहर में और चले आए, तो नक्स किसका है? हमारा, न के हौजे का। लेकिन यहाँ पर गौर करके ये बताइए कि हौजे का फरीदा क्या था? हौजे का फरीदा ये था कि फिक्र की किताबें और फिक्र के असातिज़ा का मुकम्मल मुदल्लल पूरा इंतजाम होना चाहिए था, कामिल असातिज़ा का और किताबों का जो फिक्र की तालीम दे सके, क्योंकि उनका दावा था कि हमारे यहाँ फिक्र पढ़ाई जाती है। अब तालीम लेने लोग आए, किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, वो उसकी किस्मत, कोई पा सका, कोई नहीं पा सका, कोई परेशानी तक भी नहीं पहुंच सका, वो उसका दर। लेकिन मदरसे की हौजे की जिम्मेदारी यह है, वहां के जो अकाबरीन है उनकी, कि पूरा इंतजाम इस बात का करें कि लाइब्रेरी भी हो, किताबें भी हो, असातिज़ा भी हो, पुकार भी हो जो पढ़ाए। अब हम वहां पढ़ने जाए खुदा ना खास्ता और पता चला वहां कोई फकीर नहीं है, कोई छोटी किताब नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कुछ नहीं है, कहने का इनका दावा गलत था। अब हमारा कसूर नहीं है कि हमें फिक्र नहीं आती, दावा ही गलत था। तो फरमाई अल्लाह ने क्या फरमाया? मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो इन्हें खल किया। तवज्जो है, तो इसका मतलब इन्हें अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए खल किया। तवज्जो,
इन्हें अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए खल्क किया, जब इन्हें अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए खल्क किया तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की हर सिफत का जरूर इनसे हो। कामिल इंतजाम का मतलब यह है कि उसकी लामहदूदियत, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी हयात, उसकी कुव्वत, उसका मलका, उसका जबरूत, उसका इल्म, सारी चीजें, सारे सिफात उनसे जाहिर हो। या क्या मतलब सफल्ला क्या मतलब नाफिस मार्फत, अल्लाह ने किस लिए पैदा किया कि वो पहचाना जाए उसकी मार्फत, तो उसकी कौन सी मार्फत नाफिस अधूरी कामिल मार्फत। तो लिहाजा उसकी जिम्मेदारी पूरा होने की एतबार से यह है कि वो जिन्हें भेजे उनमें वो कमाल पाया जाए, उनमें वो कमाल पाया जाए कि उनसे अल्लाह की कामिल मार्फत हो सके। अब कोई कर सके या न कर सके ये उसका घर नहीं, तो बच्चों फरमाई तो वो अगर साहिब गलबा है, साहिब कहर है, साहिब जबरूत है, साहिब कुव्वत है, साहिब ताकत है, तो फिर जिन्हें उसने अपने तारुफ के लिए भेजा है अकलन ये लाजिम आएगा कि वो कुव्वत रखते हो, ताकत रखते हो, गलबा रखते हो, कहर रखते हो। तो बच्चों फरमाई आपने मतलब वही बात होगी, बोले आइए मदरसे में फिर पढ़ाई जाती है, वहां पे तो किसी के दादी माए जो है। तो जब दावा अल्लाह का है कि मैंने जिसे खल किया है उसे अपनी मारिफत के लिए खल किया, तो फिर अकली तौर पर, मंतिकी तौर पर कोई मतलब किसी से मखसूस वो नहीं, किसी मतलब किसी से अकली और मंतिकी तौर पर ये मानना, ये तस्लीम करना वाजिब और जरूरी है कि खुदा एक ऐसी मखलूक का इंतजाम करे जिसके जलाल से उसका जलाल पहचाना जाए, जिसके जमाल से उसका जमाल पहचाना जाए, जिसकी कुव्वत से उसकी कुव्वत पहचानी जाए, जिसकी ताकत से उसकी ताकत पहचानी जाए, जिसके गलबे से उसका गलबा पहचाना जाए, जो ठोकर मार के मुर्दे को जिलाए तो समझ में आए कि वो मारने और जिलाने वाला है, जो आफ्ताब को पलटाए तो समझ में आए कि चाहे वो मशरिक से निकाले चाहे वो मगरिब से निकाले, मोहम्मद हैदर प्रॉब्लम यहाँ पर है। आप लॉजिकल मेरी शरीर जिसे कटती है वो काटे, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई चले नहीं, कोई दावा नहीं, मैं बहुत मामूली तारे फिल हूँ। जिस दिन जिसने ये समझ लिया कि वो कुछ जान गया उस दिन उसका सफर वार पर खत्म हो गया, उसी दिन उसकी छुट्टी हो गई। खैरियत जब ही तक है जब तक अपने आप को तालिब इल्म समझता रहे। अरे जो फरमा रहे आप ये दावा आलिम होने का नहीं है, ये दावा लॉजिक का है कि एक मंतिकी बात है, एक अकली बात है, ये किसी से कटती हो तो काटनी, इसलिए कि काउंटर के बाद ही क्लेम बनता है, काउंटर नहीं बनता तो कोई क्लेम नहीं। आय परेशानी से क्या होता है, कुछ भी कहता नहीं किसी करी इससे क्या होता है, ये तो सब सब ही बातें, इसे कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी है कि जिन्हें अल्लाह ने अपने तारुफ के लिए भेजा, ये हदीस कुर्सी ये बेस है, किताबें भरी हुई है इसे इसकी तफसीर से इसकी आयतों से, ये हदीस कुर्सी है। तो अब जिन्हें अल्लाह ने अपने इरफान के लिए भेजा वो क्या हम जैसे तवज्जो फरमा रहे आप, अब उसके सिफात बहुत तवज्जो। एक बहस मैंने पिछले साल छड़ी थी, वक्त ये तरफ टच करता हुआ चल रहा हूँ, तो क्यों ना और ज्यादा खुश हो जाएगी, वैसे भी उम्र ये अल्लाह में गाड़ी बढ़ते हैं, मगर आप सुनते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी सुनने वाले भी मैं सर हो गए सलावत कर रहा हूँ। सिफात ज़ात और सिफात अफ़ाल, तो ये सिफात ज़ात का बहुत समझ जो पिछली पांचों को क्यों जाहिर रखे आप, सिफत और जात दो चीजें अलग अलग, सिफत मजा है जात का। मान लीजिए हकीर ने दावा कर दिया खुदा आबाद का, एक मिसाल है, मैंने कहा मैं खतीब हूँ, आगे का सुनता आइए मजलिस पढ़िए, मैंने कहा यार देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मजलिस नहीं कर सकता, क्या बेहूदा आदमी आपका दावा बातिल है। मैंने कहा भाई क्यों आप बोले, दावा आपका खतीब होने का था, आइए आपको देख के खिताबत नहीं पहचानी जाएगी,
खतीब का की पहचान नहीं होगी। ये खतीब की पहचान के लिए जरूरी है कि सिफत खिताबत उससे जाहिर हो, समझो है। ये आलिम की पहचान के लिए जरूरी है कि सिफत इल्म उससे जाहिर हो। ये कादिर की पहचान के लिए जरूरी है कि सिफत कुदरत उससे जाहिर हो। तो ये सिफत है क्या? ये दलील है दावे की। बहुत तवज्जो। तो दावा क्या है? जात। सिफत है मजहब। तवज्जो है। दावा जात, रमजान दावा जात, सिफत होता रचर है सिफत मजहब। तो जरूरी है जात के लिए मजहब। अब एक है सिफात जात और एक है सिफात अफाल। सिफात जात क्या और सिफात अफाल? देखिए सिफत को समझिए। आपने दो चीजों को मुरक्कब किया, शक्कर को और पानी को, और शरबत एक मशरूब तैयार कर दिया, ड्रिंक तैयार कर दी। ये शरबत है, इसमें शीरी नहीं है, मीठा पाया जाता है। हमने कहा मीठा तेल, बोले पानी और मिला देते, मीठा कम हो। और हमने कहा अरे हम मीठा पीते ही नहीं, दो जग पानी और बढ़ा दो इसमें, एक गिलास शरबत में मीठा खत्म। ये सिफत इसमें पाई जाती थी शीरीनी की, एक गिलास पानी के अंदर। आपने उसमें पानी की क्वांटिटी को हद से तजावुज कर दिया, तो शीरीनी की सिफत जो थी वो गायब हो गई, अपना असल खो बैठी। क्या हुआ? सिफत गायब। नहीं तो फिर इसमें तो इसका जो कमाल था शीरीनी वो कहां गई? बोले वो कमाल क्योंकि इसका जाती कमाल नहीं था, इसलिए उसे जवाल हो गया। अगर वो कमाल इसका जाती कमाल होता तो उस कमाल को कभी जवाल ना आता। आपने एक एक डली मिस्त्री की हमारे हाथ में दी, बोले आप इसको दिखाइए मायल का जवाल कर। अब उसके हमने हजारों टुकड़े कर दिए। जब तक कि उसका एक रेजा भी चखा तो उसकी शीरीनी बरकरार। तवज्जो है। तो दोनों में फर्क क्या है? ये सिफत जाती थी, ये सिफत जात है, ये नहीं उसकी जात है, तो वो कमाल उसमें पाया जाएगा। वो सिफत उसकी जात नहीं थी, सिफत फैली थी, उसे तरकीब दिया गया था, मुरक्कब किया गया था, उसमें कुछ एक्टिविटीज क्रिएट की गई थी, कुछ आवेदन थी, इसलिए वो शीरीनी बरकरार थी। तो सिफत जात पर उलमा इमामिया का इजमा है, सारे अकाबरीन ने इसमें इत्तेफाक किया है कि उसका इल्म, उसकी कुदरत और हयात, ये तीन चीजें सिफत जात है। समझिए, इल्म कुदरत और हयात, इल्म कुदरत हयात, ये सिफत जात। सिफत अफाल इसके अलावा जितनी सिफतें हैं वो सब सिफत अफाल है। तारीफ समझ लीजिए। सिफत जात उस सिफत को कहते हैं जिसकी जिद उसमें न पाई जाती। सिफत अफाल उस सिफत को कहते हैं बयात वक्त जिसकी जिद भी पाई जाती हो। एक बार और फिर से समझ लीजिए। सिफत जात उस सिफत को कहते हैं जिसकी जिद न पाई जाती हो। सिफत अफाल उस सिफत को कहते हैं जिसकी जिद जिसका अपहरण भी पाया जाता हो। जैसे अल्लाह आलिम है, इल्म की जिद जहल है, ये सिफत उसमें नहीं पाई जा सकती। तो ये है सिफत जात। अल्लाह कादिर है, कुदरत की जिद मजबूरी इज्ज है, वो कभी आजिज नहीं हो सकता, तो कुदरत हुई सिफत जात। अल्लाह हई है, हयात, इसकी जिद मौत है, उसे कभी मौत नहीं आ सकती, ये हुई सिफत जात। समझे बात को? अब आगे बढ़िए। मसलन वो रहमान है, इसकी जिद कहर है, लेकिन बयक वक्त वो कहार भी है और रहमान भी है। ये है सिफत फेल, सिफत यह है सिफत अफआल। तवज्जो फरमाई आपने। तो ये अफआल की जितनी भी सिफात है, जितनी भी सिफात अफआल है, वो सब अब हमें और उसमें फर्क क्या? खालिक और मखलूक में, समझ रहे हैं बात? खालिक और मखलूक में फर्क क्या? हमारी सिफत क्योंकि जाय बर्दाश्त है, हासिल करते हैं हम, तो उसके बाद वो खत्म हो जाती है, बाद में आती है। जैसे हम जाहिल पैदा हुए, उसके बाद हमने मदरसे में पढ़ा, पंजूम पास किया, फिर हौजे में पहुंचे,
फिर कुछ 9 साल मंत्री फलसफा और हायर स्टडी में गए, पढ़ा कुछ हासिल किया, कुछ गर्दा ने याद की, कुछ ये किया, कुछ वो किया, और फिर साहब अब हम अल्लामा हो गए हैं। अब हम अल्लामा हैं, अब हमें ये समझ ही में नहीं आता कि हमसे भी ज्यादा कोई जानता है, हम ही सबसे बड़े अल्लामा हैं। कल का दिन हम भूल रहे कि कल हम जाहिल थे। तो ये हमारी सिफत अरबी, ये खारिज है। अब ये कभी कामिल नहीं हो सकता। जब हमें कोई चीज मिली तो हमें पता चला कि अरे हम तो अभी तक इस बात के जाहिल थे, हम हैं अल्लामा कारण थोड़ी किए हुए हम थे, लेकिन हमें एक एक अभी एक फर्क पड़ रहे थे, पता चला अभी तक हम यही कथा नहीं जानते थे कि हम अल्लामा साहब हैं। तो ये चूंकि सिफत ऐने जात नहीं है, जायद बरदात है, इसलिए यहां कमी भी होगी, इजाफा भी होगा, बढ़ती चली जाएगी, इजाफा होता चला जाएगा, चूंकि जायद बरदात है ऐने जात नहीं, तो इसमें कभी जाती ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन अब जिसकी ये सिफत ऐने जात हो, अब इल्म की हद क्या है? बहुत तो जवाब है, अभी तक सुनना मेरी बात को, दाद देना या ना देना उसकी ख्वाहिश नहीं, बात सुनना और समझना। इल्म की हद क्या? इल्म की हद है जिहालत। आप सोचते हो मैं कहूंगा इल्म की जिद है जिहालत, इल्म की हद है जिहालत। आखिर जिहालत इल्म की हद कैसे? एक नजरिया ये भी है, इल्म की जिद है जिहालत। एक इल्म के जब हुदूद अहबा तय करेंगे, इल्म की हद है जिहालत। ये भी एक नजरिया है, फलसफे की बहस है, कभी मौका मिला तो इसी में पूरा इशरा होगा इंशाल्लाह। इल्म की हद है जिहालत। तो ये हद क्या? तवज्जो, भाई बहुत तवज्जो। हद यह है कि आप यहां से चले साइकिल से और मराठ स्टेशन पर जाके आप रुक गए। हमने कहा आगे? बोले नहीं, खत्म, इससे आगे हम साइकिल चला ही नहीं सकते। ये आपका स्टेमिना, आपकी ताकत, आपकी कैपेसिटी की एक हद, हद। अब इसके बाद बेकार है, इससे ज्यादा साइकिल नहीं चला। इस तरीके से इल्म की हद जहालत, आई मीन दिस, कि आपने हमसे पूछा कुछ, हमने आपको बड़ा 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 बता दिया, आपने एक और बात पूछी, हमने कहा ला दी, ये मैं नहीं जानता। अब जहां हमने कहा कि ये हम नहीं जानते, ये हमारे इल्म की हद मुहैया हुई, नहीं तो जो फरमाई आप, यहां से हमारी जहालत का इलाका शुरू हो गया। यहां तक जानते थे आप, हमसे नारकोटिक मेडिसिन के बारे में बात करने लगे, हमने कहा साहब हम आजिद हैं, हम जाहिल हैं। ये हमारी ये खाद यहां पर एक पत्थर लग गया, बोले बस ये इसी दौड़ यहां तक, और यहां से जितना आगे मैदान है ये यहां तक, इसके आगे नहीं, यहां तक ये जाहिल। तो ये एक हदबंदी हमारे इल्म की हुई कि यहां तक हम जाए, यहां तक हम आलिम। जितना जितना हम तरक्की करते जाएंगे ये हदें घटती बढ़ती चली जाएंगी। तो जो है मौलाना ने फरमाया ये सिर्फ हमारा फास्ता है, हमारे अलावा जो भी अपनी जिंदगी में ला आखिरी नहीं कहेगा, यानी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं जानता, वो जरूर ठोकर खाएगा। जो भी सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम के इल्म का दावा करेगा वो जरूर ठोकर खाएगा। सलाम फरमाते हैं ये हम सिर्फ हमारा है, हम कहें पूछना चाहते हो पूछो, ये सिर्फ सिर्फ ये हम सिर्फ मौला वो कहेंगे हमसे जो पूछना चाहो पूछो, ये दावा फिर नहीं कर सकता। तवज्जो, तो इल्म की हद जिहालत है। उसका इल्म कामिल है, आई मीन दिस ऐने जात है। तवज्जो, इल्म कुदरत हयात, ये सिफाते जान रहे, इल्म कुदरत हयात, ये सिफात सिफाते जात। तवज्जो है, सिफाते जात, बकिया जितने सिफाते अफाल है वो सब पलटती है इन्हीं तीनों सिफात की तरफ। उसने आपको पैदा किया है तो अपनी कुदरत से पैदा किया, तो खिलकत की सिफत उसकी कुदरत तक आपको ले जाएगी। वो उसने आपके मुकद्दर में कुछ लिखा है तो वो कादिर है, वो आलिम है, जानता है आपके बारे में। इमाम अलैहिस्सलाम का वो वाकया कितना मशहूर है, देखिए सिफत खिलकत के लिए सिफत कुदरत भी जरूरी है, सिफत इल्म भी जरूरी है, मुतवज्जो रहिएगा। सिफत कुदरत के लिए सिफत इल्म भी जरूरी है, कोशिश करूंगा कि बात हो जाए। आप मुतवज्जो रहे, सिर्फ और सिर्फ तवज्जो शर्त है। इमाम अलैहिस्सलाम एक शौकाबाज है, जादूगर, और उसने कुछ चीजों को सड़ा उड़ा के रख दिया, उसमें बिच्छू के बच्चे पैदा हो गए, बिच्छू निकल पड़े। तीन चार दिन बाद उसने सलाम कहा तो बिच्छू बच्चे निकल पड़े। उसने कहा मैं इनका खालिक हूं, बहुत तवज्जो, मैं इनका खालिक हूं। इमाम ने उसने कहा कोई बहस नहीं की,
तू खालिक है नहीं है कुछ नहीं। मौलाना ने पूछा खालिक है तो ये बता इनमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं। अरे हैरत से पसीना आ गया, पसीना से बात करता अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मौलाना फरमाते हैं कैसा खालिक है जो है, कैसा खालिक है जो अपनी मखलूक के बारे में जानता है। कैसा खालिक है जो अपनी मखलूक के बारे में जाहिर है, इसका मतलब क्या हुआ? खिलकत एक सिफत है जो पहुंचती है सिफत इल्म तक, सिफत कुदरत तक। ये एक मिसाल काफी है। इसका मतलब यह है सरकारी मन कि जितने भी सिफात अफाल हैं वो सारे सिफात वही सिफात जात जो इल्म कुदरत रूह है उनसे जाके मुंतसिब हो जाएंगे। तो अब मेरा सवाल यह है, जो उलू उलू की बातें करते हैं, मेरा सवाल यह है कि अल्लाह के इल्म का इरफान जरूरी है, अल्लाह की कुदरत का इरफान जरूरी है, अल्लाह की हयात का इरफान जरूरी है। तो ये इरफान कौन कराएगा? जिसके पास नाकिस इल्म होगा या जिसके पास कामिल इल्म होगा? महले जहूर में क्या चीज आएगी? नहीं आप बात वहां तक पहुंची नहीं। महले जहूर में तवज्जो फरमाए थोड़ा ऊपर उठ के, महले जहूर में आएगी क्या चीज? वो कहता है मैंने चाह के पहचाना जाऊं अलकुल खल्क, तो मैं इस खल्क को महले खल्क में ले आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो खल्क है इसका इल्म, इसकी हयात, इसकी कुदरत वैसी होना चाहिए कि जो उसे इसे देखकर उसकी मारिफत हो। ये मौलवी की बात नहीं है भाई, ये बताते वाजिब वजूद का फरमान है कि मैंने चाह के मैं पहचाना जाऊं तो इन्हें खल्क दिया है। इसका मतलब है कि इन्हें हम देखें तो वो याद आए, इनसे उसकी मारिफत हो, यानी इनका इरफान ही असलन उसका इरफान है, क्योंकि उसके सिफात का इरफान हो सकता है और सिफात के मजहर ये है, तो इनका इरफान ही असलन उसका इरफान है। तो अब यहां पर तो क्या ये खुदा है? नहीं, लहल वाला कुवत जो जिसने न खुदा समझा वो ना इनका आरिफ हुआ ना उसका आरिफ हुआ, वो ना खुदा को जानता है ना इन्हें पहचानता है। लेकिन ये भी तय है कि खुदा इनसे जुदा भी नहीं है। तो है सलावत सब मिलकर पढ़ते भाई जाने आपको कैसे सुनना है। तो इरफान कामिल से कामिल का होगा, नाकिस से नाकिस का होगा। तो अब कोई ऐसी जात हो जो ऐने इल्म हो, क्योंकि वो ऐने इल्म है, समझो वो ऐने इल्म है। कोई ऐसी जात हो जो ऐने इल्म का मजहर हो, जिसका इल्म यहां आके हासिल ना होगा, जिसके इल्म की हदबंदी ना हुई हो, जहां कभी सफर जहालत शुरू ना हुआ हो। नहीं तो फरमाइए आप, जहाँ कभी सफर हमारे इल्म की औकात क्या और हमारी ताकत क्या और हमारी तारीख क्या हमारी हैसियत क्या। इमाम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा आबिद अपने इबादत खाने से बाहर निकलता है, लोग दो बजे कतार में क्यू में लगे, लाइन में लगे कोई खड़े। मैंने देखा बड़ा फरमाया क्या है भाई सर लोग क्यों लाइन में लगे? कहा फला आबिद है बहुत बड़ा आलिम है, वो आए निकल रहा है अपने इबादत खाने से, लोग उसके दस्तबोसी के लिए हाथ चूमने के लिए मुलाकात के लिए पूछने के लिए गए। हम मौला भी वो मशहूर शेर है बनाकर फकीरों का हम भेद वाले तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो मौला भी बड़ी सादगी के साथ फिर इमामत का ही जरूर है और इमाम का ही बड़ी सादगी के साथ उसी कतार में मौला भी खड़े हो वो जब निकला, ये मुरीदों से तो क्या लेना देना, जिंदाबाद मुर्दाबाद की जो फौज है इससे क्या मतलब? वो जब निकले सरकार इनके और उनकी नजर ये सब भीड़ में जब एक चेहरे पर नजर पड़ी तो वही नजर ठहर गई और जो गड़बड़ कर रहे थे वो सब छूट गया हाथ से, सबको देखते हुए कोई हाथ चूक रहा है कोई कर रहा है, एक चेहरे पर नजर पड़ी तो ठहर। ऐसा आप कौन है? किसी से नहीं पूछा क्या कौन है, कहा आप कौन है? अरे कहा आप कौन है? तो बड़ी सादगी के साथ मौलाना ने फरमाया
नहीं मोहम्मद मरहुमा में से है या उम्मत ईसा में से, उम्मत मोहम्मदिया से है या उम्मत ईसा? तो मैं उम्मत मरहुमा से उम्मत मोहम्मदिया, अभी वो मैं नहीं हुआ। ये बताइए उलमा में से है या जो हलाम और जो है उलमा में से है? ये है जो हलाम में से, इमाम ने फरमाया जो हलाम में से नहीं है, इनका ने जहल किया जो हलाम में से नहीं। ये बाजू ने इसका ही मतलब निकाल लिया, अरे साहब मकाम इल्म इतना बुलंद है कि मौला ने भी ये नहीं कहा कि उलमा में से, मौलानी को नहीं कहा, मौलानी बचा देगा था सलूनी बचाओ पूछा हमारी उन्हीं को तो कहना चाहिए उन्हीं का वहां पाए। तो मौला ने आए इनकारी जाए क्योंकि मौला ने नहीं पढ़ा उलमा में से, मौला ने कहा जो हला में से नहीं। क्यों? कलम नाज के कदर पूरे हिम लोगों से उनकी अपनों के मुताबिक बात। मैं अगर इससे कहता कि उलामा में से हूं तो ये जो उलामा का मतलब समझता है ये वही आलिम मुझे भी समझता, ये उलामा का मतलब यही समझता कि वो जो इस दुनिया में आए फिर पढ़ाए गए फिर सिखाए गए, और जहालत आया। मैं इसे बता रहा हूँ कि जो हला में से नहीं, यानी हम पास कभी दौरे जहालत नहीं आया। हम पर कभी दौरे जहालत नहीं आया जो हला में से नहीं, और सब भूल गया जो हला मौला ने इनकार जाहिल किया, यानी हम पर कभी दौरे जहालत नहीं आया। तो जो फरमाइएगा तकरीबन, तो अब सवाल यह है कि उसका इल्म मैंने साथ है तो उसके इल्म का मजहब कौन है जो यहाँ आके पढ़े? नहीं, जो यहाँ आके कहे कि कहिए तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, सुनाऊं नहीं अच्छा सुन ही लीजिए। तो है जो है का कुरान तुमने वैसे पढ़ा जैसे लोहे महफूज का मैं पढ़ता हूँ, अभी वही और जिब्रील की बात नहीं है। ये तो सब वसातक और जराए है, ये एक अलग मौजू है, एक्सपर्ट है, कभी बात होगी इस पर कि कुरान है क्या कुरान के वन पर, कुरान जो है वो ऑब्जेक्ट है मकबूल है पढ़ा गया जो है, इसकी मानवीयत क्या, इसकी हैसियत क्या, किताब क्या है, कुरान क्या है, वो सदर रसूल क्या है, वो इशारा क्या है, वो बलावत क्या है, पूरा मुकम्मल मौजू है। बहुत तवज्जो तब मैं इसे पढ़ा जिसे पहले है मैं खुद पढ़ा तवज्जो, तो अब उसका इल्म है निर्धार, लिहाजा जो उसकी शराफ के लिए आए उसका इल्म यहां का नहीं होगा। तवज्जो है, अजीब तमाशा है, एक बहस छिड़ी हुई है मासूम के इल्म गैब पे लहल हो रहा होगा। हदीस पूछती कि मैंने अपनी मारिफत के लिए बच्चा, तो क्या जिसके पास अलहदुल्ला नाते इल्म होगा उससे मारिफत होगी खुदा की? जिसका इल्म कामिल होगा वो कामिल की मारिफत कराएगा, तो उसका इल्म ऐने ज़ात है, लिहाजा यहां उसकी मारिफत हैसियत आलिम वही कराएगा जिसका इल्म वहां का इल्म हो, और उसका इल्म इहाता किए हुए है। बहुत तवज्जो, उसका इल्म ये हमारा वाला इल्म नहीं है। इमाम अली सलाम की जगह से गुजर रहे थे, भीड़ लगी थी मस्जिद, लोग बैठे थे घेरे हुए, मौलाना फरमाया कौन है ये? कही बहुत बड़ा अल्लामा। हमने पूछा अल्लामा क्या होता? हाँ सुनिए, अल्लामा क्या होता? तो लोगों ने बताया कि सरकार ये शख्स बहुत बड़ा आलिम है, जमाने जाहिलियत की बहुत सी बातें जानता है, लोगों के शजरे बहुत जानता है, पुराने बादशाहों के किस्सों का बहुत इल्म है। दो जगहों में कसा खत्म कर दिया मौला। मौला फरमाते हैं आखिरी आदमी तक बहुत तवज्जो, मौला फरमाते हैं ये ऐसी बातें जानता है जिनके न जानने से कोई नुकसान नहीं है। ऐसे बहुत अल्लाह हजरत मिल जाएंगे आपको, जैसे कहानी ये वो फला ढिमा करे साहब बड़े आलिम है, काहे के आलिम भाई क्या
मौला ने बताया रीजनेबल बात कि मकसद और मंबा क्या है, इल्म वो जिसके न जानने से नुकसान हो, जिसका जानना जरूरी हो, जिसका न जानना जुर्म, वो जानता है जिसके न जानने से कोई बात ही नहीं हो सकता है। अल्लाह यह कहकर मौला मुस्कुरा के आगे बात बात हो गई। तो सवाल यह है सरकारी मन के उस भाई को मजूसी मोरा अबर उद्दीन मारे बच्चों जब्बार जब उसकी हमारे पर वाजी है तो उसकी तरफ से मैं जवाब अर्ज कर रहा था कि बड़े तमजीब बताए मिसाल कि उसकी तरफ से अकलन ये वाजिब है कि वो ऐसों का इंतजाम करे जिनसे उसकी मारिफत हो, उसके इल्म की, उसकी रूह की, उसकी कुदरत की, उसकी ताकत की, उसकी कुव्वत की, उसके गलबे की। अब ये अलग बात है कि हमारा धर्म, हमारा कसूर, हमारा शौक कि हम हासिल कर सकें या ना कर सकें। अब हमारी औकाती जीरो वाइट का बल्ब है, आप उसे मेन लाइन से लगा दें तो फट जाएगा। और जो है हमारी औकाती का, हमारी हैसियती के हारे कह के आदमी चौंक जाता है, क्या जीरो वाइट के बल्ब की औकाती क्या है। और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, अभी यहाँ तो देखिए बम्बई है, हमारे यहाँ कस्बों में, देहातों में, गाँवों में जहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती, वोल्टेज बहुत डाउन आते हैं, वहाँ एक बल्ब बहुत बिकता है 110 वाट का, उसे कहते हैं कच्चा बल्ब। कच्चे बल्ब का मामला ये होता है, सरकार आए सभी लोग, ज्यादातर लोग देहात और बस्ती और शहर में बसते हैं, कच्चे बल्ब का मामला ये होता है कि उसे कम वोल्टेज पे आप लगा दें तो रोशनी बहुत तेज देता है। लगता है वो बचपन में अपने आ रही यार इतना लाइट बहुत तेज आ रही है, बोले नहीं कच्चा बल्ब लगा। और कच्चे बल्ब का नुकसान उस वक्त महसूस होता है उसके जो हल्का बगोश आस पास के लोग होते हैं उन्हें, जब जरा वोल्टेज चेंज हुए और वो फटा, तो कच्चा बल्ब है, जब जरा वोल्टेज चेंज हुए तो फटा। फिर जो हमारी आस पास हल्का बगोश होते हैं, पता चला किसी के मुंह पे शीशा लगा, किसी की आंख में शीशा पड़ा, क्या हुआ, बोले कच्चे बल्ब की हमसाई का नतीजा है। जो तो मसला सरकार में जितना है, सवाल का जवाब सवाल के मुताबिक दिया जाए। देखिए मौला से हजारों मौकों पर समेट हुआ गुफ्तगू थोड़ी देर में, मौला से हजारों मौकों पर पूछा गया कि ये क्यों वो क्यों, मौला ने जवाब दिया। नहजुल बलागा में पूरी चुंगादड़ की खलकत के बारे में मौला ने बताया, चुंटी की खलकत के बारे में बताया। आप सोचिए गौर कीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मंसूर दवानीति का दरबार है और इमाम अलैहिस्सलाम का वरूद हुआ, मौला पहुंचे इमाम साहब को लेकर मंसूर दवानीति के दरबार में। जब पहुंचे तो पोजीशन क्या है, इसने मौला को बुलाया है और कई दिन तक बाहर रोका है, उसके बाद मौला आए हैं। जब दाखिल हुए दरबार में तो एक मक्खी है जो बार बार बादशाह की नाक पर आके बैठ गई, और ये हकाता है उधर बैठ जाती है, ये हकाता है उधर बैठ जाती है, तो मक्खी पीछा नहीं तो मैं हका तो आज एकदम अन्ना गया झंडा गया। जैसे ही मौला वाले हुए तो कल ये बताई, ये जुमला लेवा खलक अल्लाह जुबा, अल्लाह ने मक्खी को क्यों खल्क किया, अल्लाह ने मक्खी को क्यों खल्क किया, ये सवाल क्यों है। पहले सवाल की नौयत समझिए तब जवाब की मार्फत होती है। क्यों हर क्यों इसलिए नहीं होता, क्यों इसलिए होता है कि हम कुछ समझें, अरे साहब ये क्यों है, ये यहां क्यों रखा है, ऐसा क्यों है, ये बड़ा इफाम होता थी मेरे साहब, हमने यहां ये क्यों है, जरा समझ जाते हैं। हमने कहा चल ये क्यों है, ये क्यों कर दिया, वो क्यों है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दो चार बातें हम याद कर लेते हैं, अब वो हमने याद कर लिया, हमने कहा वो जो मिले उसे यही पूछ रहा है कि ये क्यों है और ये क्यों है, दो तीन सवाल हमने पता है पूरी जिंदगी का सरमाया, दो तीन क्यों है हमारे पास और हमने वो क्यों याद कर लिए, और हमने कहा साहब ये क्यों है आप बताइए, सूर्य नहीं डूबता है वहां नमाज कैसे होगी, वहां रोजे का तयन कर, आपसे मतलब यहाँ होगा कि आज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, फिर वहां भी है ये ठीक है, एक है एक कप्पा है, बहुत तवज्जो। तो जैसा सवाल होगा जवाब वैसा होगा। ये लिमा खलक अल्लाह जुबाब, ये अल्लाह ने मक्की को क्यों खल्क किया, ये तंग था शरारत थी,
ये मक्खी की खिलकत के बारे में जानना नहीं चाहता। ये अगर मौला से पूछता कि मैं जानना चाहता हूँ मक्खी अल्लाह ने क्यों खल की, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी हिफाजत क्या है, इसका फायदा क्या है, तो मौला समझाते, पूरा सिस्टम बताते, मक्खी के पर कैसे आए, कैसे बने हैं, पांव कितने हैं, बाल कैसे हैं, खाती कैसे है, क्या करती है, इसका फायदा क्या है, उसका मौला सब निकल ले। खलक अल्लाह सुबह मक्खी अल्लाह ने क्यों पैदा की, मौला ने फरमाया लियुज़िल्ला बिहिल जबाबिरा, ताकि जाबिर बादशाहों को जलील किया जा सके। ये क्यों इमामत अफीम की मंजिल में नहीं था, अगर ये जानना चाहता तो मौला बताते, उसने तंज किया था कि मक्की बार बार बैठ रही थी इसकी नाक को परेशान हुआ था, ताकि जाबिर बादशाहों को जलील किया जा सके। तो सवाल जिस अंदाज का जवाब उस अंदाज का बहुत कम है, सवाल क्या है कलीजे हमारे पास, मैंने को तुम समेट नहीं सका, मसला सिर्फ और सिर्फ इतना है, देखिए हमारे पास इरफान, इरफान वाजिब है, अगर वो दीन हमारे पास तो जब्बार, दीन की इब्तिदा हमारे पास है, तो जब दीन की इब्तिदा हमारे पास है तो हमारे पास उनसे होगी जिन्हें उसने अपना मजहब बनाया, तो उनका इल्म उसका इल्म, उनकी कुदरत उसकी कुदरत, उनका गलबा उसका गलबा, उनकी हुकूमत उसकी हुकूमत, उनका वजूद उसके वजूद का मजहब, बहुत तवज्जो। मैं यहाँ गुरु की कोई पहले ना गुरु की ना किसी बात की, सब बातें बेकार है, वो उसका उसके सिफात का मजहब है, उसकी जात की दलील है, उनकी रवायत मुकद्दसा से उसका इरफान होना है। और ये सफर ऐसा नहीं सिर्फ हुजूर सरवर कायनात का, नहीं तो फिर वजूबे मार्फत खत्म हो जाएगा, हुजूर सरवर कायनात का विशाल हो गया, उसके बाद वजूबे मार्फत खत्म, मार्फत साथ है हुजूर नहीं कर, नहीं कुल्लुना मोहम्मद की फिलासफी यही है। और दूसरी बात ये कि इस दुनिया में इनका जाहिर में होना या ना होना ये आदम और वजूद के पास तय नहीं करता, ये है और रहेंगे, बस यही बाकी है। कुल्लू मन अलैहा फान वयबको वजर फिरदौस जलाले, ये इमाम अलैहिस्सलाम की जात का इरफान, इरफान इलाही। और इस सिलसिले को ये फर्श मजलिस से आप बैठे हैं, ये एक रूहानी सिलसिला, रूहानियत का मतलब ये होता है कि रूहानियत अफनियत देती है, उम्र फराहम करती है, नमू फराहम करती है, रुझान मारिफत की, रूहानियत एक जरिया है इरफान का। इसलिए जब आप मजलिस पर आते हैं, ये हमने अशरफ इस बात को नोट कर रखा है अच्छी तरीके से, जब हम मजलिस में आते हैं तो मजलिस में जितनी देर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, किसी और की नहीं, सब 24 घंटे रूहानी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जितनी देर मैं मजलिस में रहूँ उतनी देर पक्का है कि रूहानी हो, उतनी देर के लिए ख्यालात मुनज़्ज़ा पाको पाकीज़ा हो जाते हैं। इसका मतलब कोई टच है, कोई रास्ता है, जो हाथ कोई मुंह से मिलाने का काम कर रहा है, जो ख्वाहिशात नफ्सानी पर गालिब आने के बाद मलयाला की सैर करा रहा है, रूहानी की तरफ ले जाता है। ये फर्श अल्लाह अभी देखिए, इसको समझिए इसकी अहमियत को, सारा जायरीन भी हैं जो अभी ज्यारत से आए हैं, अरविंद की कबरा की इमाम हुसैन रहमतुल्लाह का सफर ज्यारत की अहमियत समझिए, सिर्फ मेरी बात मुकम्मल हो। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अपनी बात कर ली, बिल्कुल एक फिलासफी है, नेचुरल फिलासफी, और ये इल्हाम की कैफियत, ये खालिद इलामी पूरी जिम्मेदारी से मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इलामी मैटर है जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। रजत की फिलासफी का और अभी से मासूम है, नफसुल महमू में लेजुल में तस्वीर हूँ, तो हम बहू लगा इबादत हो, हमारे गम में गमजदा रहने वाले की हर सांस तस्वीर है, हदीस है रसूल अल्लाह की, फिर तो सुन ले, हमारे गम में गमजदा रहने वाले की हर सांस
तस्वीर है। अब आप देखिए, अभी ये करंसी का एक पूरा सिलसिला चला, पूरा एक होता पूरा मूल चल रहा है, हर जाने दीजिए उसके मुझे कुछ देना देना नहीं। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, आपने आप यहाँ से इंग्लैंड जाइए, दुबई जाइए, मस्कत जाइए, या जो यहाँ गांव से मुल्क के लोग यहाँ दुबई में आकर रह रहे हैं, वो यहाँ जो भी पैसा पैदा कर रहे हैं, करंसी पैदा कर रहे हैं, वो उसे सेव करके अपने बैंक में या अपने घर बेच के प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जब भी वो यहाँ से पलट के जाएंगे तो जो कुछ उन्होंने यहाँ जो टाइम खर्च किया है वो उनका महफूज उस शक्ल में, उसकी शक्ल बदल गई। यहाँ 10 साल खर्च किए थे यहाँ पर, ये एक नेचुरल फैक्ट है। जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर बदर किया गया, आग में डालने का जो वाकया, उसके बाद जब आपको शहर बदर आज ही आ गया तो मैंने शहर बदर कर, तो जब शहर बदर किया गया तो आपके पास जो असासा था, भेड़ बकरियां गोट बन वाला जो भी, तो उसने कहा ये सब तुमने इस शहर में रहकर कमाया, लिहाजा ये हमारा वापस करो। तो आपने जवाब दिया, आपने जवाब में फरमाया कि यहाँ रह के कमाने में जो उम्र मैंने खर्च की है तू वो वापस कर दो। तो एक उम्र खपा, एक आदमी जो कुछ कमाता है, कुछ बनाता है, कुछ सेव करता है, कुछ करियर बनाता है, उसमें एक उम्र लगती है, एक उम्र उसका हिस्सा है, कोई बड़ा हिस्सा है, वो जाता है। जब वो हमारी एक्सपेंस हो गई, खर्च हो गई, वो वापस नहीं मिल सकती। तो उसका नतीजा क्या है, वो जो हमने महसूस कर लिया, अगर कमाया है तो गया, वो उम्र भी गई, और अगर हमने उसे बचाया, महफूज किया, ये इस टेक्निक, इस तस्वीर से कमाया, तो उसमें इजाफा होता रहे, तो वो चीज हमारी बरकरार है। वो है जो हमारे 20 साल गए वो बेकार नहीं गए। तवज्जो है, हदीस क्या है, नफसुल महकूम रसूल में ना तस्वीर हूं, हमारे गम में गमजदा रहने वाले की एक एक सांस तस्वीर है। जिंदगी की फिलासफी क्या है, इस पर सारे फिलासफा मुतफिक है। मौजूदा पानी बनाई उन्हीं का शेर है बड़ा मशहूर, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत पानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। जो सांस हमने ली वो मुर्दा हो गई, अब उसके बाद दूसरी सांस आएगी। हर दिन हमारा, जैसे हर साल हमारा जो है वो बदल रहा है, इसी जिसको आप छोटा करते जाइए तो महीने हैं, हफ्ते हैं, फिर दिन है, फिर घंटे हैं, फिर सांसें हैं, उसके बाद पल विपल से पल घड़ी, और फिर तो एक एक सांस है, एक एक सांस। तो जो सांस जा रही है वो मुर्दा, तो मर गई सांस। तो कहता है हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत पानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। कसम खुदा की हुसैनियत ने फिलासफी को बातिल कर दिया। बहुत तवज्जो, हुसैनियत नहीं है सत्ता है फैजान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, हुसैनियत ने फिलासफी को बातिल कर दिया। कौन अगर गवाही है तो उम्र गुज़िश्ता की मैयत है, तवज्जो। और उम्र अगर ऐसे काम में लगे कि जहां गवाही ना जाए तो वो चीज महफूज है, न फसल महबूम है लजुल में न तस्वीर हो। अब दलील दे रहा हूं मैं, हदीस है कामिल ज़ियारात में, अगर मोहम्मद बिन जाफर बिन मूसा बिन औलिया कौमी कामिल ज़ियारात में लिखते हैं, ऐसा रिवायत लिखते हैं मासूम अलैहिस्सलाम से कि जो ज़ियारत पर जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, तो सफर है ज़ियारत में जो उम्र खर्च हो, जो मुद्दा खर्च हो वो उम्र में काउंट नहीं होती। जो ज़ियारत के सफर में, जो कामिल ज़ियारात, जो ज़ियारत के सफर में जो वक्त खर्च हो, नहीं पहुंचे दिया वहां तक, वो उम्र में काउंट नहीं होती, नहीं पहुंचे अपनी वहां तक। अब साफ हो गए, अब आपकी उम्र ही मतलब 60 बरस 2 महीने, 20 दिन आपने ज़ियारत में लगाए। जब 20 दिन आपने ज़ियारत में लगाए तो हदीस मासूम अलैहिस्सलाम ये है कि वो उम्र में नहीं जुड़ेंगे। तो इसका मतलब 60 बरस 2 महीने प्लस 20 दिन, तो ये प्लस 20 दिन कहां से आए? तवज्जो है, मसला बता कि ये पूरी बहस है, उसका वक्त ही नहीं था। ये प्लस 20 दिन कहां से आए? कहिए 60 बरस 2 महीने ये थी उम्र मुकद्दर, जिसे कहते हैं किस्मत। ये 20 दिन अलग से कहां से आए? कहिए है अतिया ज़ियारत हुसैन, जो किस्मतों से ऊपर है, के लिखे होने को हुसैन नहीं कहते, किस्मतें बनाने वाले को हुसैन कहते। ये तो 20 दिन है, ये आती है ज़ियारत हुसैन है। अब जरा हिसाब लगाइए कितने लोग ज़ियारत को जा रहे हैं, कब से ज़ियारत का सिलसिला है,
हुसैन का रोजा लातेदाद बेशुमार लोगों को रोज उम्रे तकसीम कर रहा है, तो राहिब को बेटे देने पर हैरत क्यों? बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है, बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है, समझो के उसके दिल का मालिक हुसैन है। नर हैदर सफर ज़ियारत का आतिया है, सफर ज़ियारत का आतिया है। कब वो उम्र में वो दिन काउंट नहीं होंगे, ये आता है रोजे हुसैन अलैहिस्सलाम, ये फैजाने ज़ियारत है। कब जो है ये फैजाने ज़ियारत है, तो फैजाने ज़ियारत ये मजहर है उसकी कुदरत की। तो अब जो चीज भी हो मजलिस में आओ, शिफा है, फर्शी अदा के मरीज सही होंगे। तबर्रुक के लिए हदीस है, हमारी मजलिस का तबर्रुक शिफा है। हदीस है मसूह अलैहिस्सलाम से, ये मौलवी की बात नहीं, मौलवी की बात है, शिफा है, शिफा है। यहाँ से फैजाने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम आम हो रहा है, जहां से भी हुसैन का फैजान आम हो जाए वो सब शिफा है। बहुत तवज्जो, फर्श मजलिस में आ जाओ, मलाइका इस बर्फ में आने की तमन्ना करते हैं। ये वो मकाम है जहां से मारिफतों के सर्टिफिकेट होते हैं। कहा हुसैन अलैहिस्सलाम के आगे जो उम्र अता होगी वो इस उम्र में नहीं जुड़ेगी, ताकि पता चले कि किस्मत अलग है, हुसैन की अता अलग है। हुसैन की अता बहुत बुलंद है। बहुत तवज्जो, बस हो गई मेरी गुफ्तगू, हो गई मैं जो बात कर रहा था वो सुनिए। अब जब आपने जिंदगी गुजारी, नफसुल फिर से सुन लीजिए, हदीस है नफसुल महमूम है ले जुल्म ना तस्बीह हुन, हम पर हुए जो जुल्म हम पर हुए उससे महमूम रहने वाले की, कमजोर रहने वाले की हर सांस तस्बीह है, हर सांस तस्बीह है। जब हर सांस तस्बीह है तो अब आपकी कोई भी सांस बेकार नहीं जा रही, कोई भी सांस बेकार नहीं जा रही। जब कोई भी सांस बेकार नहीं जा रही तो फिर आपने उम्र गवाई नहीं, कमाई। नहीं तो उम्र कमाई नहीं, गवाई, गवाई नहीं कमाई। अब जब कमाई की सेल हुई, जब प्रोफेसर महमूद रिजोर में आता उसकी तो ये वापस मिलना चाहिए। तब जो है जब ये उम्र आपकी महफूज हुई, नफसुल महमूम रसूल में ना तस्बीह हो, तो ये कमाई नहीं, ये कमाई। तो फिर जब ये सेफ है तो ये मिलना चाहिए, जब ये सेफ है तवज्जो है। फलसफा रजत समझिए, नहीं तवज्जो फरमाई अभी आपने, नहीं पहुंचे अभी वहां तक। तो जब सरकार हुज्जत तशरीफ लाएंगे तो हर वो शख्स, हर वो मोमिन जिसकी नीयत और अकीदा ये है कि हम हजरत के साथ में हो, उन सबको उठाया जाएगा। क्यों उठाया जाएगा? इसलिए कि उन्होंने उम्र गंवाई नहीं है, कमाई है, लिहाजा उम्र महफूज है तो वापस होगी। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले अताए सखावत हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो करीम इमाम वो मौला बुआका तवज्जो, जिसने दुश्मनों को अता कर दिया, जिसने अपने दर से किसी को खाली वापस कर, और नजर ए करम और नजर ए इंतखाब के हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुलाया, इतमाम हुज्जत किया, और अता और सखा का मरहला कितना बुलंद है जो हुर जैसी शख्सियत को माफ कर। एक लफ्ज भी ये नहीं कहा कि तुम्हें तो मेरा था तो माफी मांगने आए, फिर माफ कर देते, लेकिन इतना तो कह ही देते तुम माफी मांगने आए, तुम्हें तो सब कुछ किया। अगर ये भी कह दिया तो बात खत्म हो जाए, फिर कहाँ मजा कहाँ रहेगा। थोड़ा टेटिलॉग डॉक्यूमेंट्री चेक कर दिया, कहा तुम तो मेहमान, कितना मुख्तसर किस्सा कर दिया, तो तुम तो मेहमान हो, कैसी माफी तलाशी की बातें कर रहे हो। उस करीम को, सखी को हुसैन मजलिस खत्म की बात, महसूसात की वादी है,
رونے کے لیے آقا کا نام ہوا. توجہ ہے عزیزان محترم، دیکھیں شخصیت کے اعتبار سے محسوسات ہوتے ہیں، جیسی ذات ہوتی ہے ویسے ہی فیلنگس ہوتی ہے. اگر ایک عام آدمی ہو اس کے ساتھ کوئی گستاخی کر دے اس کے محسوسات اور ہوں، لیکن ایک خاندان قبیلے کا بڑا آدمی ہو، اس کے یہاں 100-200 لوگ ہوں، بھائی بھتیجے، بڑا کنبہ خاندان ہو، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کوئی بےہودگی کر دے اور وہ کسی وجہ سے نظر انداز کرے، تو اس کے دل پہ جو قلق ہوگا، جو کیفیت ہوگی وہ کچھ اور. توجہ ہے. آپ پورے کربلا کی ریڈنگ کی، جہاں سے مولا کا سفر شروع ہوا وہاں امام حسین علیہ السلام جب یزید کے دستے نے آ کے، خلیفہ کے دستے نے آ کے کہا کہ یہاں سے خیمے ہٹاؤ یا ہمارے خیمے ہٹاؤ، اور مولا عباس علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے تلوار کھینچی اور ریت پر خط کھینچا کہ کس کی مجال ہے جو خیمے یہاں سے ہٹا دو، اسے لان کے دے. تو امام حسین علیہ السلام نے شہزادی زینب سے فرمایا، بہن عباس کو، آج عباس کے چہرے پر بابا کا جلال دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کا آغاز اپنی طرح سے. شہزادی فرماتی ہے، جس دن سے میرے شیر نے بولنا شروع کیا ہے آپ کو آقا تھا، ایک بار اشارہ کیجیے عباس دوڑے ہوئے چلے کہ آپ کو زینب کے پاس آنے کی ضرورت کیا. تو بہن بات یہ نہیں ہے، کل جب بابا کے سر پر ابن ملجم کی ضربت لگی تھی تو عالم جلال عباس یہ تھا کہ میرا بھائی کوفہ کی گلی کوچوں میں تلوار لیے ٹہل رہا تھا، لوگوں میرے بابا کے قاتل کا پتہ بتا دو. بابا نے مجھ سے کہا تھا حسین جاؤ جا کے عباس کو لے آؤ، میں گیا تھا، میں نے کہا عباس چل ابھی کربلا نہیں آئی. اس کے بعد بھیا حسن کے جنازے پر تیر برسے، عباس نے تلوار پھینچی، عباس کا تلوار نکالنا تھا، عبداللہ بن علی کی تلوار نکلی، جعفر بن علی کی تلوار نکلی، عبداللہ ارسو نے تلوار نکالی، مسلم بن عقیل نے تلوار نکالی، سارے بنی ہاشم نے تلواریں کی. میں نے کہا عباس تم بن جاؤ سب پیچھے ہٹ جائیں گے، آقا ہے بھائی ہمارے ہوتے ہوئے بھیا حسن کے جنازے پر تیر برسے، عباس ابھی کربلا نہیں. اس کے بعد حاکم مدینہ نے بیعت کے لیے بلایا، میری آواز بلند ہوئی، دو جوان جو بحیرا تلواریں لیے سب سے اندر آگے آ کے اندر داخل ہوئے، ایک عباس اور ایک علی اکبر. لگتا تھا چچا بھتیجوں میں آنکھوں آنکھوں میں بات ہو گئی ہو، تم اس کا سب قلم کرو میں اس کا سب قلم کرتا ہوں. میں کہتا عباس چلو میرے بھائی ابھی کربلا نہیں آئی، کب پہن دینا وقت کربلا بھی آ گئی، عباس کو کیا کہہ کے رو. کاغذ جاؤ عباس کو بلا کے لاؤ اور کہنا اگر آنے میں تاخیر کی تو میں سب کے پاس آئے، تلوار پتوں میں ڈالی اور کہا سیدانی جب تک یہ غلام زندہ ہے یہ چولا لگ پر نہ لائیے. تاریخ اور آگے بڑھتی ہے زینب، یہ کون بی بی ہے زینب؟ بھائی بھتیجے بھانجے 18 بھائیوں کی مشہور بہن. دیکھیے جیسی ذات ویسے محسوسات ہوتے، اب ذرا سوچیے اور تجزیہ کیجیے. قد قتل العطش، بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آئے، پیاس نے ہمیں قتل کر ڈالا ہے. جہاں بچے ساتھ میں ہیں، جہاں بچے ساتھ میں ہیں تو عقلن یہ ماننا پڑے گا کہ بڑوں نے پانی پہلے سے پینا چھوڑ دیا ہوگا، اگر چھوڑا نہیں ہوگا تو کم سے کم کم کر دیا ہوگا، اس لیے کہ بچوں کا ساتھ ہے، اسناق ختم ہو رہا ہے، ذخیرہ ختم ہو رہا ہے. اسی لیے روایات اور ارباب مقاتل یہ تعین نہیں کر پاتے کہ خود بی بی زینب سلام اللہ علیہ کتنی پیاسی تھی، خود مولا عباس علیہ السلام کتنے پیاسے تھے، خود آقا حسین علیہ السلام کتنے پیاسے تھے. تاریخ اور آگے بڑھی، شب عاشور، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا خیمے کے پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، علی کی بیٹی آگے بڑھی، چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کیوں سکینہ، کیا پیاس زیادہ ستا رہی ہے؟ کہو کہ اماں پیاس تو جیسے تیسے گزر ہی رہی ہے، محسوسات کیا ہے تفکر کرے مجلس 2 منٹ میں خط، پیاس تو جیسے تیسے گزر ہی رہی ہے. کہ پھر رونا کس بات کا ہے؟ کافی بابا کے ناصروں کی قلت پر ہو رہی ہے، میرے بابا کے ناصر بہت کم ہے، سامنے بے شمار لشکر ہے، لاتعداد لشکر ہے. یہ گفتگو ہو رہی تھی، علی کی بیٹی آگے بڑھی اور ماجائے حسین کی تنہائی اور قلت انصار کو دیکھتے ہوئے ایک سوال کیا، ماجائے یہ بتائیے آپ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا یہ سب کے سب آزمودہ ہیں؟
ये गुफ्त शुनीत कहीं हिलाल के नाफे ठिकानों तक पहुंच गए। खैमे अंसार में आए हबीब ने मजाए और तो अरे खैर अहमद सलाम को अलग बुलाया और पूरा वाकया बयान किया। वो अंसार के खैमे में दाखिल हुए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा बनी हाशिम से हम मागरत चाहते हैं, हमें गैर बनी हाशिम से एक बात करना। तखलिया हो गया, कहा कहिए क्या कहना चाहते हैं। कहा देखो आका के खैमे के पीछे बतूल की पोती को बैठे रोते देखा गया। जब अली की बेटी ने उसकी वजह पूछी तो सैलानी ने ये वजह बताई कि वो आका के नासिर बहुत कम है। तो फिर अली की बेटी ने अपने भाई से ये सवाल किया, मां जाए अब जितने लोग हैं क्या सब आजमूदे कार है, चलो अपने जज्बे नुसरत की मजीद यकीन दहानी कराए। अरबाब मकतिल कहते हैं कि जिनके हाथों में तलवारें थी उन्होंने तलवारें गर्दनों से लगा ली, जिनके हाथों में नैजे थे उन्होंने नैजे सीनों से लगा लिए। और दर हुसैन ने सलाम पा के आवाज दी, क्या हुसैन मौला गुलाम हाजिर है, कहिए तो ये जाने आपके कदमों का सदका है, अभी दे दे, कहिए तो कल मैदान में दे दे। और जनाबे ज़ुहैर क़ैम ने फरमाया, मौला अगर आप इमाम ना होते सिर्फ अली अलैहिस्सलाम के बेटे होते तो मैं ज़ुहैर क़ैम अभी रात ही में अकेला इस लश्कर पर हमला कर देता ताकि इन्हें पता तो चले जुनून मोहब्बत हुसैन है क्या, मगर आप इमाम हैं, आपकी इजाजत के बगैर कुछ भी हराम है। तब यहाँ पर आका हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया था, ज़ैनब देखा तुमने ऐसे नासिर न नाना को मिले न भाई को मिले न बाबा को मिले, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिसके भाई के ऐसे नासिर मौजूद हो, जिसके ऐसे भाई मौजूद हो, जिसके ऐसे भतीजे मौजूद हो, जिसके ऐसे नासिर मौजूद हो कि जरा सी आवाज की फनक लग गई तो तलवारें गर्दनों पर रख दी नैजे सीनों से लगा दिए, कहिए तो ये जाने अभी दे दे, कहिए तो कल मैदान में दे दे। आप ये बताइए कि वो उस साथ को जितने कदम मसाइब के आगे बढ़े होंगे हर हर कदम पर क्या अपने भाई के नासिर याद ना आए होंगे, क्या अपने जवान भतीजे याद ना आए होंगे, क्या अपने भाई याद ना आए होंगे। हाँ इमाम मज़लूम यही वजह थी जो अली की बेटी ने कहा था, भैया अब्बास तुम जा रहे हो अब जो आंखें सोया करती थी वो जागेंगी, जो जागा करती थी वो सोएंगी। और उसके बाद फरमाया अब्बास यकीन कामिल तो मुझे पहले भी था, इसलिए कि मेरा बाबा साहब कौन था, मगर मैं ये सोचती थी कि वो वक्त कौन सा होगा जब ज़ैनब के बाजुओं में रसल मानी जाएगी। अब यकीन हो गया कि वो वक्त जल्दी आने वाला है कि जब ज़ैनब के बाजुओं में रसल मानी जाएगी। इन सारी चीजों का एहसास एक मौका मिलता है जहाँ पर बड़ी शिद्दत से मैंने मजलिस खत्म किया था, तो सबूत शर्त है रोने के लिए आका का नाम का भी है। न जाने कहाँ पर जमाने का इमाम हो, न जाने कहाँ पर शहजादी कौरैन हो, न जाने कहाँ कौन सी मखलूक कौन सा मलक कौन क्या हो, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अज़ादारा ने इमाम रसूल मां ने फरमाया ना कि ऐसे रोया करो जैसे माँ अपने जवान बेटे को रोया करती है। अज़ादारो क्यों करबला में रोने वाले थे मगर उन्हें रोने ना दिया गया, सकीना थी रोती थी तो तमाचे लगते थे, होलिया थी सैलियां थी सैलानियां होती थी तो दुर्रे लगते थे। हाँ एक मकाम वो मिलता है जहाँ अली की बेटी को अपने भाई के सारे नासिर सारे दोस्त अहबाब अपने सारे भाई भतीजे याद आए। वो मौका क्या था, दरबार शाम में अहले बैत का दाखिला हो गया। अली की बेटी दरबार में एक बार शेर ने बताना शुरू किया, ये ज़ैनब है, ये वो पहिया है, ये उम्मे कुलसूम है। एक बार यजीद कहता कुछ हुसैन इत्तेफाक कर रहा है, बीबी फिजा आगे बढ़ी, बीबियों ने हल्के में ले लिया कि किसकी मजाल है जो अली की बेटी से हम कलाम हो। एक बार शिम ने ताजियाना उठाया हवा में लहराया आगे बढ़ा, बीबी फिजा ने अपनी पुश्त ताजियाने की तरफ कर दी और ताजियाना बीबी फिजा की पुश्त तो पड़ा। एक बार बीबी फिजा की नजर यजीद के इर्द-गिर्द 250 से ज्यादा हबश के लोग जो सिक्योरिटी पर पहरे पर खड़े थे उन पर पड़ी। फिरासत से काम लेते हुए बीबी फिजा फरमाने लगी, ए हबश के रहने वालों तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया, एक हबश की औरत पर एक मर्द ताजियाना उठाना है, तुम खड़े देख रहे हो। वो हबशी गुलाम आगे बढ़े, उन्होंने यजीद से कहा कि शिविर को रोक ले वरना दरबार में जंग हो जाएगी, तलवारें चलेंगी खून बहेगा। ये वो मौका था जहाँ ज़ैनब को अपनी ज़ुर्बतों पे कसीदा हुआ, मदीना याद आया,
کوفے کا دور یاد آیا، نجف کا رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ میری حمایت کو کوئی نہیں آتا، میرا عباس مارا گیا، اکبر مارا گیا، بھائی کے ناصر مارے گئے، اے حبیب کہاں ہو، اے مسلم و فدا کہاں ہو، اے شہید و روحیر کہاں ہو، زینب اکیلی کیا کرے، سیار الذی نظر امیہ السلام ہے، اس کی تقدس اور اس کی عظمت کا واسطہ جو بھی جو لوگوں میں اپنے دل میں جو لوگ جائز حاضر کرتا ہو، مولا پر توسل اہل بیت علیہ السلام سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے علماء صالحین کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ ہو، اللہ